यस मैम। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम आज आप वर्ल्ड हेल्थ डे पे मिलेट क्रांति लेकर आ रहे हैं, क्या खास है? मिलेट क्रांति सिर्फ एक एजेंडा नहीं है, ये क्रांति है और ये कोई ट्रेंड नहीं है। और वर्ल्ड हेल्थ डे पे आज हमने हरियाणा सरकार और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सामने एक मेमोरेंडम पेश किया है और मेमोरेंडम में हम लोगों ने रिसर्च सेंटर की डिमांड की है। जैसे हैदराबाद में एक रिसर्च सेंटर है, वैसे ही हमें मिलेट का एक रिसर्च सेंटर हरियाणा में चाहिए। अगर हम लोग ये रिसर्च सेंटर यहाँ ले आते हैं और जल्दी, जैसे अब फसल कटेगी और जलेगी, पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा, तो हम लोगों के पास समय कम है। और वैसे भी 2023 एक मिलेट रेवोल्यूशन ईयर है जिसमें 70 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो लीड है वो भारत का ही लिया हुआ है। सो भारत से हमारी वर्ल्ड हेल्थ डे पे मेमोरेंडम जो हमने उनके सामने रखा है वो यही बोला है कि हमें रिसर्च सेंटर दें ताकि हम किसान भाइयों को ट्रेनिंग दे पाएं, उनको बीज प्रोवाइड कर पाएं, मोटा अनाज के जो बीज होते हैं उनको हम सिखाएं कि आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने फसल लगने की इंतजार नहीं करनी है, 65 दिन में 70 दिन में आपका जो ये मोटा अनाज है तैयार हो जाता है। इस फसल को लगने में पानी नहीं चाहिए, उतना पानी नहीं चाहिए जितना चावलों को चाहिए या फिर गेहूं को चाहिए। सो आसानी से लग जाता है, पानी की किल्लत नहीं होगी और ये धरती हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि जो मिट्टी की परत है, जो धरती की परत है, वो एक लेवल नीचे हो गई है। सो आने वाले टाइम में अगर हम लोगों को हमारी जनरेशन को बचाना है, धरती को बचाना है, तो मिलेट क्रांति सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी मिलेट क्रांति है। आपके किचन में ये जो ट्यूबवेल या बोरिंग में क्या करूं, उसके पास पानी की किल्लत, सिर्फ उसके पास नहीं, ये हमारे कुदरत के पास किल्लत हो गई है। और आने वाले टाइम में जैसे राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ या फिर बहुत सारे ऐसे डेजर्ट एरिया जिनके पास मजबूरी है मोटा अनाज को लगाने की, आने वाले टाइम में हमारे पास भी मजबूरी हो जाएगी, हमें मिलेट ही लगाने पड़ेंगे। पर तब तक की इंतजार क्यों करें, फार्मर को आज ही ये लगाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये सस्ता है, लगाना आसान है। अभी जो दिक्कत आ रही है वो यील्ड की आ रही है कि उतना लगता नहीं है। जब रिसर्च सेंटर आ जाएगा तो साइंटिस्ट के साथ मिलकर पर्टिकुलर उसी किसान की उसी धरती को उसी के खेत को देखा जाएगा, मिट्टी को देखा जाएगा कि उसकी मिट्टी में उस क्लाइमेट उस सॉइल के अकॉर्डिंग कौन सा कोडो मिलेट, बानयार्ड मिलेट या रागी या बाजरा ज्वार कौन सा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें अभी के टाइम की, जहाँ पर हम लोग चावल ज्यादा खा रहे हैं, तो अब चावल उतना पॉलिश हो गया है, बासमती सब लोग मांगने लग गए हैं, अब इतना पॉलिश राइस अगर थोड़ा खाते तो समझ में आता, पर इतना भर भर के चावल खा रहे हैं, सिटिंग जॉब है, उतना हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो चावल कैसे पचेगा? वो इतना ज्यादा शुगर रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल होगा, डायबिटीज होगी। भारत में कितने लोगों को डायबिटीज है, चंडीगढ़ कैपिटल सिटी है डायबिटीज की, पंचकूला का AQI इतना ज्यादा हो गया है। सो आम जनता को डायबिटीज टाइप 2 को रिवर्स करना है और अगर टाइप 1 को प्रिवेंट करना है, हमें विरासत में अपने बच्चों को शुगर की बीमारी नहीं देनी है कि बच्चों को पैदा होते ही हम लोग शुगर दे रहे हैं। बाप दादा से क्या लिया, जमीने नहीं, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी। सो ये जो मिलेट है ये हर एक घर में से बीमारी को ना ही तो सिर्फ खत्म करेंगे लेकिन होने से भी बचाएंगे, आने वाली पुश्तें बिना बीमारियों के पैदा होंगी, तो ये आपके लिए फायदा है। जी अब किसान क्यों भूलते आ रहे हैं और पंजाब की मिट्टी को वैसे भूलता है, किसान बहुत भूले हैं, बहुत भूले हैं। उनको जो सरकार बीज प्रोवाइड कर देगी, जिसपे उनको MSP मिल जाएगा, जिसपे उनको एश्योरेंस मिल जाएगा, हम लोगों के पास तो ठीक है, उनकी कितनी फसलें 6 महीने के इंतजार की एक निशानी है, मतलब बहुत टाइम के बाद थोड़ा पैसा मिलता है। और अगर मॉइस्चर आ गया फसल में तो सरकार प्रोक्योर करने को भी मना कर देगी, जैसे अभी हुआ भी है, बीज का प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है। ये सस्ती बनाएंगे, जब रिसर्च सेंटर आएगा तो ये सस्ती हो जाएगी क्योंकि हम इसको मास प्रोडक्शन करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही दिक्कत आ रहा है कि बाजरा और ज्वार, अगर आप साउथ हरियाणा बेल्ट में जाओगे तो बाजरा ज्वार लग रहा है, अगर भारत की तरफ जाओगे कर्नाटका केरला, रागी स्टेपल फूड है, वहां पे लोग अपना डोसा या इडली रागी से बनाते हैं। लाभप्रद कैसे? हाँ जी, जैसे लोगों को बीमारियां हैं उससे बेनिफिट क्या होता है इस फूड से? सर बीपी नहीं होता, सोडियम नहीं बढ़ता, ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी नहीं होती, डकारे नहीं आती है,
पचाना बहुत आसान है। आप लोगों को मालूम है कि 17 मिनट लगते हैं जब हम कोई खाना खा रहे हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि दिमाग आपको 17 मिनट के बाद बताता है कि पेट भर गया, तो इसलिए आप ज्यादा खा लेते हैं। इसीलिए आजकल तोंद देख लो, फैटी लीवर सबको है, चाहे पतले हो लेकिन तोंद है, फैटी लीवर है, पचता नहीं है खाना, मुश्किल से चलते हैं, डायबिटीज सबको है, ब्लड प्रेशर सबको है, पीसीओडी सबको है। देखिए पहले तो क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ और मेरे बहुत सारे किसान लोग भी क्लाइंट हैं, मरीज हैं, सो मैं पीजीआई में भी काम कर चुकी हूँ, मैं आहारिका मतलब हम लोग का जो मिड डे मील स्कीम है उसमें भी काम कर चुकी हूँ, सो मेरे साथ किसान तो पहले भी जुड़े हुए हैं, सो 100 किसानों को तो मैं बदल चुकी हूँ। और किसान हट की भी अगर आप बात करें, इनकी भी एसोसिएशन बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे किसान लोग हैं जो ऑलरेडी ये चीज़ें लगा रहे हैं। अब अगर हमें मासेस को कैप्चर करना है, जैसे मैंने बताया साउथ में लगा रहे हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे क्रांति आ गई है, क्रांति आ रही है, बहुत लोग लेकर आ रहे हैं, चाहे डॉक्टर खादर वली की बात करो, बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा है। किसी फार्मर यूनियन को आपने ये इसका? हाँ, हमने किसान हट वालों को दिया है और वो लोग हमारे साथ हैं, और अभी एक छोटा इंटरव्यू मैंने किया था जो कि अभी मैं लाइव कर दूंगी उसको, उसमें भी किसान यूनियन ने मतलब उसमें जो 2-3 और लोग थे वो मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं उनकी फसल खरीद लेती हूँ तो वो, मैं उनको अगर गारंटी दे देती हूँ तो वो मुझे यही लगाकर देंगे। और मुझे इसमें अगर क्रांति में अगर मैं अकेली भी खड़ी हूँ तो भी मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अगर किसान लोगों से डायरेक्टली उनको मैं चाहे एग्रीमेंट कर दूँ, वैसे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मैंने अप्रोच किया है, हरियाणा सरकार को मैंने अप्रोच किया है और मुझे हेल्प मिल जाएगी, वो मुझे पक्का पता है। पर अगर नहीं मिलती है, प्लान भी मेरे पास यही है, किसानों से डायरेक्ट खरीदूंगी, डायरेक्ट बेचेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हमने मेमोरेंडम दिया है अभी, और अभी हमारी मीटिंग उनके साथ होनी है दोबारा से ट्यूसडे को, सो तब पता चलेगा। लेकिन उनका ये भी कहना था यील्ड को लेकर थोड़ा सा हो रहा है कि यील्डिंग कैसे करेंगे, मतलब डेफिनेटली उतना कैसे लगाएंगे, सो ये सब चीज़ें रिसर्च सेंटर तभी हम लोगों ने डिमांड किया है। और ये क्रांति ऑप्शन नहीं है आपके पास कि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे, आपको करनी पड़ेगी, आने वाले टाइम में पानी नहीं बचेगा, आने वाले टाइम में पोल्यूशन बहुत होने वाला है। जी बिल्कुल, ये देखिए हम लोग पहले तो अगर प्रैक्टिकल डिसीजन की बात करें, लोगों को बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हमने क्या किया, जैसे अगर आप मिलेट देखें, नहीं मुझे मिलेट दिखाना, छोटे दाने मिलेट्स, हाँ सो ये देखिए ये होते हैं मिलेट, ठीक है, जैसे ये है मोटा अनाज, दाने ऐसे होते हैं इसके, सो ये है नाचनी रागी, ऐसे ही कोडो मिलेट है, बानियार्ड है, कंगनी है, फॉक्सटेल है, बहुत है, सो ये ऐसे मिलेट होते हैं। हमने क्या किया, अब अगर आप मेरे को बोलो कि सुबह जल्दी उठना है, काम पे भी जाना है, तो मैं शायद ना बना पाऊँ, तो मैंने एक ऊंचे तबके के लिए भी जो बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए मैंने बना दिया, जो हमारा पेटेंट है। ये पैलेट मार्केट में नहीं मिलते, ये सिर्फ आप अपने कोई भी प्लांट बेस्ड दूध या दूध में डालिए, और बच्चों को भी एज अ सीरियल, कॉर्नफ्लेक्स से बचो और बाकी डब्बों वाली चीज़ों से बचो, बच्चों को ब्रेड बिस्किट सैंडविचेस इन सब चीज़ों से दूर रखो, तो ये चीज़ें हम लेकर आए हैं। मैं एक बहुत स्पेशल चीज़ ले, माल्ट, ठीक है, माल्ट क्या है सर, जौ, बार्ले माल्ट, सो अगर हम लोग जौ माल्ट घर पे बना लें और उसमें कोको पाउडर मिला लें, चॉकलेट पाउडर मिला लें, मैंने यूट्यूब चैनल पे घर पे बॉर्नविटा बनाकर दिखाया लोगों को, कम रेट पे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई कॉर्न सिरप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बच्चों को केमिकल्स, इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स देने की जरूरत ही नहीं, और इतना महंगा बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स, मतलब हाँ बच्चों को पसंद है लेकिन अगर हम घर पे बनाते हैं तो कम रेट पे भी बनेगा। सर हम लोग जब फार्मर से डायरेक्टली लेंगे तो हमारा और सस्ता हो जाएगा, जो मेरी मुहिम है आगे आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी के लिए 150, 160, 190 इतना रेट है, नॉर्मल रेट है। जो हम लोग को महंगे बासमती चावल खरीदते हैं उससे सस्ता है सर। ये कैसे मिल सकते हैं? द मिलेट गर्ल डॉट कॉम, THEMILLET.com, द मिलेट गर्ल डॉट कॉम वेबसाइट है, उस पर मिल सकते हैं। आने वाले टाइम पे ये सारे स्टोर्स में आपको मिलेगा, हम लोग टाइप्स करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, पर अभी के लिए ये मेरे सारे क्लिनिक्स पे है और ये एक वेबसाइट पे है। राइट, इसी के इसमें कह सकते हैं कि नई क्रांति का